आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। एक वीर रस का कवि हमारे बीच में है, हालांकि उसकी काया देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये वीर रस का आदमी भी हो सकता है, लेकिन वो वीर रस का आदमी भी है, वीर रस का कवि भी है, मूलतः झाबुआ से है, इंदौर में अपने व्यावसायिक कार्यों के कारण से रहता है। मैं उसे इन चार पंक्तियों के साथ में आवाज देता हूं कि सूर्य के साधक तिरस्कृत हो गए। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जरा संभालना। सूर्य के साधक तिरस्कृत हो गए, तिमिर के चारण पुरस्कृत हो गए, मिल गया सम्मान रेगिस्तान को, रेत के टीले अलंकृत हो गए, रेत के टीले अलंकृत हो गए। आइए देशभक्तों का गुणगान करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक सूचना दे दूं। हमारे बीच में मुकेश मोलवा है, वीर रस के बड़े कवि। यदि मैं हिंदू होकर किसी मुस्लिम की बात सुनूंगा तो हो सकता है मुझे ठेस लग जाए, यदि मैं मुस्लिम होकर किसी हिंदू की बात सुनूंगा तो मुझे हो सकता है उसे ठेस लग जाए, लेकिन यदि एक देशभक्त होकर किसी देशभक्त की बात सुनेंगे तो शायद कुछ समाधान निकल जाए, न किसी को ठेस लगेगी। थोड़ी देर में यहाँ पर आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस जात से हैं, किस मजहब से हैं, ये भूल करके एक देशभक्त बन करके सुनिए। इंदौर का भला चाहने वाले, भारत का भला चाहने वाले नागरिक बन करके सुनिए तो हो सकता है आज की रात जहां देश में कहीं किसी समस्याओं के समाधान में कहीं कोई सुई अटकी पड़ी है वो सुई शायद यहां से निकल जावे। मैं चाहता हूं एक वीर रस का एक युवा कवि आपके बीच में उतारो। झाबुआ की धरती से हमारे बीच में है हिमांशु भावसार हिंद, अपने उपनाम में लगाता है, स्वागत है आपका। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और चंद्रशेखर आजाद की धरती की ओर से मां अहिल्या की इस पावन पुण्यधरा को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा है, कवि सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है और उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है ये हम लोगों की जवाबदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कविता को किस तरह से सुनते हैं। इस कवि सम्मेलन को किस तरह से सुना जाएगा, इस कवि सम्मेलन से हम क्या लेकर जाएंगे, ये अंतिम कवि तक तय होगा कि हम देशभक्ति की बातों को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। साहब, चार पंक्तियों में मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। झाबुआ की धरती की ओर से आता हूँ। झाबुआ हमारे लिए इसलिए भी पूजनीय हो जाती है क्योंकि वहां पर हम लोगों के आदर्श चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। वाह, पत्रकार लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैं चार पंक्तियों में परिचय देता हूँ कि शहादत की अमर गाथा मैं अपने संग लाया हूँ। वाह, शहादत की अमर गाथा मैं अपने संग लाया हूँ, भगत अशफाक बिस्मिल की मैं एक छोटी सी छाया हूँ और बड़ा उपकार है मुझ पर मेरे जीवन के दाता का, जहाँ आजाद जन्मे थे मैं उस धरती से आया हूँ। वाह वाह, जहाँ आजाद जन्मे थे वाह हिमांशु, मैं उस धरती से आया हूँ। और क्या है चंद्रशेखर आजाद हमारे लिए, हमारी इस मालवा माटी के गौरव। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ मालवा के नहीं साहब, हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, और मध्य प्रदेश के भी नहीं पूरे भारत के गौरव चंद्रशेखर आजाद क्या है, मैं 10 पंक्तियों में परिचय देना चाहता हूँ चंद्रशेखर आजाद का, कि कौन है चंद्रशेखर आजाद। स्वागत। के काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था, भाभरा का काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था, वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था, था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था, ताव देता मूछ पर वो इंकलाबी तान था, रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता, जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता, जेल खाना घर बचाकर दंड को उसने सहा, नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद। वाह, नाम मेरा जान लो मैं स्वयं आजाद हूँ। वाह हिमांशु, वाह, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूँ। और साहब, जब रंगों की बात होती है, रंगों के त्योहार की बात होती है, तब कहीं ना कहीं हमें उन तीन नौजवानों को भी नहीं भूलना चाहिए जो 23 मार्च को भगवा लेकर भगवा के नीचे तले चलते हुए जब वो गीत गाते हैं रंग दे बसंती चोला, और वो बसंती चोले को धारण करते हुए जब फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं साहब, तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ उन वीर नौजवानों को याद करते हुए। यहाँ पर आप लोगों की तालियों की थोड़ी सी आवश्यकता लगेगी, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, पंक्तियों के साथ में आप लोगों की यदि तालियां मिलेगी तो रिदम बनाने में भी थोड़ा सा हम लोगों को आसानी होगी। के रंग दे बसंती चोला गीत सुर है
है, उन इंकलाबी वीरों की हस्ती विशाल है। हंसते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए थे जो, हंसते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए थे जो, उनकी तो मौत भी यहाँ बनी मिसाल है। उनकी तो मौत भी यहाँ बनी मिसाल है। ये भाई साहब जो पीछे घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? आके बैठ जाओ। ये कोई ये चिमन बाग है, ये शाहीन बाग नहीं है जो आप इधर उधर घूम रहे हो? चिमन बाग को चिमन बाग रहने दो साहब, इसको शाहीन बाग मत बनाओ। समस्या साहब, देश की नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है आज, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी विडंबना रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी रही है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि क्या कमी रही हम लोगों की, कि आस्तीन में पाला हमने काला नाग नहीं होता। आस्तीन में पाला हमने काला नाग नहीं होता, तो भारत माता के आंचल पर कोई दाग नहीं होता। तो चार मौलवी, केवल चार मौलवी राष्ट्रवाद के नारे पर जय कह देते, तो दिल्ली की सड़कों पर कोई शाहीन बाग नहीं होता। वाह, यहाँ पे तालियां कमजोर थी साहब, राष्ट्रभक्तों की तालियां इन पंक्तियों पर मिलना चाहिए कि दिल्ली की सड़कों पर कोई शाहीन बाग नहीं होता साहब। और क्या कमी रही हमारी कि राष्ट्रहित में नहीं सुनाया फतवा जिन इमामों ने। अगर कोई भी इमाम अगर राष्ट्रहित में फतवे सुना देते साहब, तब एक परिस्थितियां नहीं होती। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि राष्ट्रहित में नहीं सुनाया फतवा उन इमामों ने, राष्ट्रहित में नहीं सुनाया फतवा उन इमामों ने, तो आग लगा दी दिल्ली में फिर आतंकी कुछ नामों ने, तो लोहा लंगर वालों को तो लंगर रास नहीं आया, जिसमें खाया उसको छेदा देखो नमक हरामों ने। वाह, जिसमें खाया उसको छेदा देखो नमक हरामों ने। साहब, दोनों पक्षों से उंगलियां उठती है कि हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों का सम्मान नहीं करते, मुसलमान धर्म के लोग हिंदू धर्मों का सम्मान नहीं करते। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि क्या किया है हम लोगों ने एक दूसरे के लिए। तब मैं पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूँ कि क्या किया है सत्य सनातन धर्म के लोगों ने, कि हमने रामलला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। हम लोग गवाह हैं इन सारी बातों के। अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाके देख ले, या हम मुंबई के हाजी अली दरगाह पर चले जाए, हमें प्रमाण मिलते हैं इन सारी चीजों के। सब एक एक पंक्तियां तथ्यों के साथ मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ कि हमने रामलला से पहले अल्लाह का सम्मान किया, हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया, हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है, हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया। वाह, हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूँ भारत के जय चंदों को, सोने की चिड़िया को लूटते वोटों के भिकमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे सो जवाब पर भारी है, आंख मिलाकर कहना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है, कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। वाह वाह, जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। और अच्छा, जब साहब जब सांप्रदायिकता का एक तमगा लग जाता है हमारे ऊपर, पीड़ा होती है कहीं ना कहीं। जब इस तरह की बातें करने वाले लोग ये कह देते हैं कि अगर हमने राम का नाम ले लिया तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, तब मैं पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि राम कौन है इस देश के लिए। राम कभी भी किसी हिंदू या मुसलमान के नहीं रहे साहब, राम पूरे विश्व के रहे हैं। और क्या है राम, मैं पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के बीच में रखता हूँ। स्वागत स्वागत। के राम मेरे है प्रणम में, राम ही तो प्राण है, और राम मेरे है धनुष भी, राम ही तो बाण है। राम जीवन के प्रणेता, राम ही आधार है, राम है प्रारंभ सबके, राम ही विस्तार है, तो राम है आदर्श सबके, राम से ही हर्ष है, राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है। वाह, राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है, तो राम राम सीता के नयन में वो भरत का मान है, राम दशरथ के चहेते वो अवध की शान है, राम राजा है अवध के वो सुबह से शाम है, राम समरसता दिखाते खास है पर राम। वाह,
वाह, खास है पर आम, राम समरसता दिखाते, खास है पर आम है। और क्या समरसता दिखाई राम ने कि राम शबरी बेर में है, राम के वचनाव है, राम तपती रेत में है, राम ही तो छाव है। तो राम है बजरंग दिल में, राम लंका कांड है, और राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड है। वाह वाह, राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड है। कोई कुछ भी मुंह उठा के साहब इस देश में कुछ भी बोल देता है, 100 करोड़ के ऊपर 15 करोड़ भारी हो जाते हैं। इस तरह के बयान आ जाते हैं इस देश में, जहाँ पे हम लोग आपस में मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, उस देश में इस तरह के बयान आते हैं। तब उन लोगों को मैं पंक्तियां देना चाहता हूँ कि कौन क्या है और क्या इतिहास रहा है हम लोगों का। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छिपा रहे, चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छिपा रहे, कब तक अपने अंतर मन से नजर छुपा कर झूठ कहे। तथ्यों के साथ में एक एक पंक्ति रख रहा हूँ, तथ्यों के साथ में बात कर रहा हूँ, उन लोगों तक पहुंचे कि चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छुपा रहे, कब तक अपने अंतर मन से नजर छुपा कर झूठ कहे। वर्षों पहले वो मंदिर था, आज जहाँ पर काबा है, मक्का की चादर के पीछे बैठे भोले बाबा है। मक्का की चादर के पीछे बैठे भोले बाबा है, तो जाकर देखो वहाँ आज भी 7 प्रदक्षिणा लगती है, और यहाँ मस्जिद के नीचे भगवान की मूरत मिलती है। तो तुमने जात धर्म बदले थे अपनी जान बचाने को, और हमने शीश कटा डाले थे अपना मान बचाने को। वाह, हमने शीश कटा डाले थे अपना मान बचाने को। तो मलेशिया में मंदिरों का आज भी ऊंचा दर्जा है, इंडोनेशिया में रामायण का सम्मान समूचा है। तो सारी दुनिया जान चुकी है, तुम भी इस सच को जानो, बहती धारा में लौटो फिर उठो स्वयं को पहचानो। तो सत्य सनातन के पथगामी संस्कार के सिंधु थे, देखो तुम इतिहास उठाकर, बाप तुम्हारे हिंदू थे। वाह वाह, देखो तुम इतिहास उठाकर, बाप तुम्हारे हिंदू थे। और साहब इस देश में जब अच्छे दिनों की बात आती है, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अच्छे दिन किस तरह से आ सकते हैं। अंतिम कविता आप सभी के बीच में रखता हूँ कि काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, सत्ता भी लोभी की दासी और नहीं रहने पाए, काश किसानों के मुरझाए चेहरे फिर से खिल जाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए। वाह वाह, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए। तो काश पेट में कोई भी बेटी अब मरने ना पाए, दहेज की खातिर कोई भी बेटी अब जलने ना पाए, जात पात मजहब के झगड़े और नहीं होने पाए, काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए। वाह, काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए। तो जिस दिन भारत भू का जन जन वंदे मातरम गाएगा, सच कहता हूँ उस दिन निश्चित राम राज्य आ जाएगा। वाह, सच कहता हूँ उस दिन निश्चित राम राज्य आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई हिमांशु, अपने तेवरों में आपने अपनी बात कही है, निर्भीक होकर के अपनी बात कही है, और जहाँ सज्जन लोग बैठे हों वहाँ निर्भीकता से काव्य पाठ करने का आनंद आता है। बहुत अच्छा भाई हिमांशु ने काव्य पाठ किया है। दरअसल जब हम संकीर्णता की सोच से विस्तीर्णता की ओर आवे तो हमें कहीं कोई दंगा फसाद नहीं दिखाई देता है। यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, सिद्धि के भाई साहब कहाँ है मेरी नजर में नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? अच्छा, हमारे लिए चाय वाय का इंतजाम करने गए दिखे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम हिंदुस्तानी बनकर सोचे तो सब आसान, 2 दिन आप टीवी देखना, 3 दिन अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, देश में शांति दिखाई दे। आप सब पत्रकार हैं, लेकिन माफ करें हुजूर, घटनाओं को जिस तरह से पेश आजकल मीडिया और अखबार कर रहे हैं, देश में इसी कारण से गड़बड़ मची हुई। आइए कवि सम्मेलन की दिशा को मोड़ते हैं। मेरे पास एक गीतकार है। दरअसल जो तनाव है थोड़ा बहुत, वो इसलिए है कि हम मजहब को तो मानते हैं, हम धर्म को तो मानते हैं, पर हम मजहब की नहीं मानते, धर्म की नहीं मानते।
तो ये तनाव बीच बीच में हो जाते हैं, लेकिन जब अच्छे लोग नीचे बैठ करके सुन रहे हों, अच्छे लोग ऊपर बैठ करके सुना रहे हों, देश में चाहे दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इंदौर में इस धरती पर सिद्दीकी भाई साहब जैसे लोग कवि सम्मेलन करा रहे हैं, हिमांशु हिंद और मुकेश मोलवा जैसे लोग अपना काव्य पाठ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि देश में अभी भी सांप्रदायिक सौहार्द के कुछ बिंदु बचे हुए हैं। एक बार कुछ ही सही, लेकिन इन बिंदुओं को अपनी तालियों से आप ताकत दीजिए, ये बिंदु आगे संदेश दें कि ये बिंदु सिंधु में बने।